नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ कि आप ऑनलाइन आप स्मार्ट कार्ड मेट्रो का जो है वो आप कैसे मंगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जो है उन्होंने पूछा कि सर ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं। तो मैं आज इसे उसी के बारे में प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको स्मार्ट कार्ड कैसे मिल सकता है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। सो गाइस, चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस। सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जाना होगा वेबसाइट पर, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है इसके लिए। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे देखिए लिख के आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर SBI स्मार्ट कार्ड। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में जो लिखा हुआ ऑप्शन दिया है वही है, ये वाले ऑप्शन पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको डालना होगा आपका नाम, जैसे आप मिस्टर या मिसेज वो डालना है। नाम डालिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। लास्ट में मोबाइल नंबर आपका आएगा, पैन नंबर आएगा और आपका लास्ट में डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे नीचे आपका डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चार पांच ऑप्शन दिया, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, लेटर बाय NPR, आधार नंबर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वोटर आईडी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पैन कार्ड नहीं दिया है, तो पैन कार्ड से आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें जो इसमें दी हैं वही करना। तो मैं वोटर आईडी डाल देता हूँ और वोटर आईडी में आप देखेंगे ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो W से आई थिंक से स्टार्ट होता है। तो आप देख लीजिएगा आपके वोटर आईडी में जो भी नंबर है आप उसको एंटर कर दीजिएगा, जो वोटर आईडी नंबर होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको एंटर कर दीजिए, आपको जो भी आपका पास आईडी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसका नंबर डाल के आप एंटर करिए। बाकी के प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। गाइस, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब में कुछ आपका नहीं जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे वोटर आईडी का जो है वो नंबर डाल दिया है जो कि W से स्टार्ट होता है, नीचे यहाँ पर टिक मार कर दिया और यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए इसमें यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप येस करते हैं आई डू हैव ऑब्जेक्शन टू SBI, तो ये अगर आप ये लेफ्ट वाला करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन जो है नहीं आएगा, और यहाँ आई डू नॉट पे करेंगे तो आपको जो है वो आएगा मैसेज। तो मैं इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, आई डू हैव ऑब्जेक्शंस, इस पर क्लिक करके और आगे प्रोसीड करूँगा, क्योंकि मुझे मैसेज जो है वो नहीं चाहिए, नहीं तो ये अनवांटेड जो है नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैसेजेस, ये जो सब भेजते रहेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ और उसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं आगे प्रोसेस क्या दिखाएगा। आपको अगर SMS चाहिए तो आप यहाँ पे राइट सेकंड वाला जो ऑलरेडी टिक है इस पर आप टिक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक कर सबमिट करता हूँ और आगे प्रोसेस देखते हैं क्या इसमें दिखाता है। कैसे, बहुत इजी प्रोसेस है, आप घर बैठे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो क्या है, आपको कार्ड कैसे मिलेगा, तो वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैप्चा लेटर है वो फिलअप करना है आपको, उसके बाद कैप्चा लेटर फिलअप करके बाद आपको उसके सबमिट कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ उसको क्या करना है। सो वीडियो पर बने रहिएगा। हाँ देखिए ये हो रहा है मेरा, आप देखिए गाइस यहाँ पे मेरा सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे OTP मुझे भेजा गया है मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मैंने नंबर यहाँ पे एंटर किया है, तो ये नंबर पे अभी OTP आ गया है, तो मैं इसको फिलअप करके और इसमें सबमिट कर दे रहा हूँ। तो आगे प्रोसेस देखते हैं, बफरिंग हो रहा, लोडिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंड कुछ ही सेकंडों में ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो हो गया, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर दिया। अब जनरेट कर दिया मतलब आप ये मत सोचिए कि ये जनरेट हो गया तो आपको बाई कुरियर जो है कार्ड आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको ये रेफरेंस नंबर ले जाके मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस है वहाँ पे आपको दिखाना है। इसका इससे क्या मैंने होगा कि आपको पेपर जो है वो जो ऑफलाइन पेपर्स जो आपको सबमिट करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा, ये आपका रेफरेंस नंबर अपने डेटाबेस में डालेंगे सिस्टम में और आपको कार्ड वहाँ से तुरंत एक्टिवेट करके हैंडओवर कर देंगे। तो ये बाई कुरियर नहीं आने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सेव कर लीजिए, जो भी करना है ये आपको लिख के रख लीजिए। आपको ये जाके दिखाना है वहाँ पे और वहाँ पे एक OTP आएगा, OTP आपको उनको देना है, बस आपको कार्ड एक्टिवेट करके दे देंगे। सो ये बाई कुरियर आने वाला नहीं है, आपको खुद पर्सनली जाना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको ऑफलाइन पेपर जो जमा करना पड़ रहा था वो नहीं देना होगा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाकर लाता रहता हूँ। सो चलिए मिलेंगे जल्द से जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।